बड़ी खबर, कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया प्रतिरोध मार्च, पटना में कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएमएल का प्रदर्शन। तो आपको बता दें, लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च, पटना में कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएमएल का प्रदर्शन। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार ने कल अहम बैठक भी बुलाई थी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। ये पटना के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीरें, हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कानून व्यवस्था के खिलाफ। जिस तरह से आपको बता दें कि आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से ही और ज़्यादा विपक्ष हमलावर है। और आपको बता दें कि अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन पूरा विवाद मचा हुआ है। एक तरफ लगातार नीतीश कुमार ने कई बैठक की अधिकारियों के साथ, कानून व्यवस्था को आगे कैसे दुरुस्त किया जाए उसे लेकर मंथन भी किया गया, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से। वहीं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा वहीं मौजूद है। अमिताभ, अब विपक्ष का यह प्रदर्शन, क्योंकि कानून व्यवस्था वाकई बिहार में चरमराई हुई है और विपक्ष अब सरकार को घेर रही है, क्या तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर? अमिताभ से फिर संपर्क करेंगे और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ सड़कों पर इंडिया गठबंधन, और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ भी वहीं पर मौजूद हैं, आपको ये सीधे हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। अमिताभ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि विपक्ष अब अहम रणनीति के साथ सरकार को घेर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज जो है विपक्ष का प्रतिरोध मार्च था, और आज जो इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर पटना के जिलाधिकारी को ज्ञापन देना जाना था, और ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन जो था वो सिर्फ पटना नहीं बल्कि हर जिला मुख्यालय, हर प्रखंड मुख्यालय में था। पटना की तस्वीरें आप देख रही हैं, पटना में जो प्रतिबंधित एरिया में है वहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो समर्थक यहाँ पहुँच चुके हैं। इससे पहले इनकम टैक्स गोलंबर पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी प्रशासन ने, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन के इंतजाम से उससे धत्ता बताते हुए तमाम जो कार्यकर्ता थे वो डाक बंगला चौराहा पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर इन्हें प्रशासन ने एक बार फिर इन्हें रोका है, और यहाँ पे इन्हें रोकने की कोशिश में बैरिकेडिंग यहाँ पे फिर लगाया गया है, और यहाँ पे फिर एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है। इनमें आरजेडी के भी लोग हैं, कांग्रेस के हैं, वीआईपी पार्टी के हैं, और साथ में यहाँ पे सीपीआईएमएल के जो संगठन के लोग हैं वो लोग हैं। यहाँ देखिए लगातार जो है पुलिस एक्टिव मूड में है, यहाँ एक्टिव मूड में दिख रही है, और इन्हें रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। इसके लिए यहाँ अमेरिकन की इससे पहले इनकम टैक्स गोलंबर के पास इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ से ये आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिटी एसपी और मजिस्ट्रेट दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए एक तरफ नेता हैं और दूसरी तरफ पुलिस है। यहाँ पर एक बार फिर यहाँ से कोशिश हो रही है कि जो बैरिकेडिंग है उसे यहाँ से हटाया जाए, और उसे यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माइकिंग से अनाउंसमेंट भी हो रहा है, और यहाँ हो रहा है तमाम। देखिए ये डीएसपी कोतवाली हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, ये यहाँ इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतिबंधित एरिया है, देखिए हाथों में लिखा हुआ है तो मुकेश सहनी को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि विधि व्यवस्था को लेकर लगातार महागठबंधन के नेता आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद से ये काफ़ी जोर पकड़ गया, और एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ये सड़कों पे उतरे हैं। हम कुछ लोगों से बात, देखिए यहाँ पे फिर बैरिकेडिंग यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रही है, और देखिए यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जो है महागठबंधन के नेता है वो यहाँ पे। बड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी, पूरे बिहार में लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार रोज का काम कर चुके हैं। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे पत्रकार भाइयों की हत्या हो रही है,
सत्ता संरक्षित अपराधी द्वारा, और हम जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस लाठी और गोली से डराना चाहती है। लालू जी या तेजस्वी जी के सिपाही पुलिस और गोली से डरने वाला नहीं है। तनाव है, लेकिन बावजूद इसके जो नेता है अनाउंसमेंट लगातार यहाँ मौके पे जो मजिस्ट्रेट है वो लगातार यहाँ पे कर रहा है। यहाँ से ये कहा जा रहा है SDM की तरफ से कि यहाँ जो प्रतिनिधि मंडल है वो आप लेके जा सकते हैं, उन्हें DM से मिलाया जाएगा। लेकिन ये पूरे जो यहाँ पहुँचे हैं कांग्रेस और RJD CPI ML और यहाँ पे VIP के जो नेता पहुँचे हुए हैं वो यहाँ फिर से बैरिकेडिंग को लगातार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो मौके पर अधिकारी हैं वो यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये डाकबंगला चौराहे का ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो गया है। यहाँ पे चारों तरफ ट्रैफिक बंद हो गया है और यहाँ पर इस स्थिति में जो आम लोग हैं वो परेशान हैं, और प्रशासन की कोशिश है कि इन्हें यहाँ से किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए। और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम जो पुलिस फोर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हालांकि RJD के जो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे लोगों के साथ हैं। अभी हमारे से कुछ देर पहले हमारे से बात हुई थी यहाँ पे जो उनके जो यहाँ मौजूद थी। देखिए यहाँ पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा जो RJD के नेता हैं कांग्रेस में आम जनों की जो हत्या हो रही है उसके खिलाफ महागठबंधन की सभी पार्टियां अपना प्रतिरोध मार्च निकाली है, और ये जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे नीतीश कुमार हम लोग सड़क से लेकर संसद तक विधानसभा तक का घेराव करेंगे। ये कांग्रेस का फैसला है, महागठबंधन की सभी पार्टियों का फैसला। नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की उसमें तो कह दिया कि आंकड़े ही कम है, अपराध यहाँ हो ही नहीं। अगर आप खुश हैं तो आपको क्वेश्चन बंद करिए और अपना जाइए। इस तरह का सवाल मत करिए, यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और अरे वो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे अगर आप खुश हैं, रोज हत्या हो रही है हर रोज कांग्रेस दफ्तर से प्रखंड लेवल का जो मेरा कार्यालय है वहाँ से फोन आता है, जिला कार्यालय से फोन आता है, कौन ऐसा जिला है जिसमें रोज हत्या नहीं हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी रोक दे दो, दूसरे क्या कहेंगे ये प्रतिरोध मार्च? नहीं, ये परसों ही फैसला था महागठबंधन की सभी पार्टियों का कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, लोगों का जान माल सुरक्षित नहीं है, लोग जिस तरह से मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुधि लेने वाला नहीं है, जिस तरह के अफसर जिलों में गए हैं पता नहीं क्या किस आधार पर उनका पोस्टिंग किया जाता है, ये तो नीतीश जी ही जाने। लेकिन हमको साफ लगता है कि नीतीश जी को अब राजपाट चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, 4-5 चुनिंदा अफसर प्रॉक्सी से ये राज चला रहे हैं, और ये जब तक ऐसा होगा इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। समीक्षा बैठक किया है उन्होंने, समीक्षा बैठक तो जब महागठबंधन का कॉल आया तो दे रहे हैं झूठ झूठ का। आप लोग को भी यहाँ से रोकने की कोशिश हो रही है, सरकार आंकड़े करके कह रही है जारी कर रही है। आपको मालूम है सरकार का आंकड़ा हमेशा से देती है, ब्रिटिश हुकूमत थी वो भी अपना आंकड़ा देती थी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो आमजनों की स्थिति है, लोग जिस तरह से मर रहे हैं जिले में, देखिए किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को आप सुन रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अन्य नेता भी यहाँ पे जो पहुंचे हुए हैं लगातार जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और यहाँ प्रशासन की तरफ से रोकने की हो रहे हैं, रुक रुक कर झलक हो रही है। यहाँ देखिए CPI ML के भी माले के भी लोग यहाँ पे हैं। किन बातों को लेकर आप लोग रुक रुक रही है, क्या मुद्दा है? हम लोग का यही मुद्दा है कि भ्रष्टाचारी जो है ना, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार है, उनको खिलाफ हम लोग मोर्चा निकाले हैं। वो सत्ता में बैठ के सुख भोग रहे हैं और बिहार के जनता पर कोई उनका निगाह नहीं है, और बिहार के जनता को लिए कुछ कर नहीं रहे हैं।
नहीं, हम लोग और कांग्रेस के भी यहाँ पे नेता हैं, अनिल सिंह यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेके क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने जो बैठक की थी क्या लग रहा है आपको? तो बिल्कुल बिहार में बिल्कुल आतंक का राज चल रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है और लोग बहुत आतंकित है, जिसके विरुद्ध में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। और जब तक रोकने की कोशिश कर रही है, क्या प्रशासन रोक रही है आप लोग आगे बढ़ने? ना ना, बिल्कुल हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे हैं, इसके अलावा आरजेडी के जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से लगातार प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है, ये बताइए कि प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है? हाँ, प्रशासन रोकने, हम लोग के प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश किया जा रहा है, हम लोग के आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में सिर्फ गुंडई हो रहा है, क्रिमिनलगिरी बढ़ गया है, मर्डर हो रहा है, चोरी चमारी हो रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो अपना रिजाइन दें, हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो देश को डेवलप नहीं कर सकते, जो बिहार को डेवलप नहीं कर रहे हैं, बिहार में गुंडई राज ला गया है। आप इधर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रशासन रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, सरकार डर चुकी है और हम लोग जनता के सवालों पर बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ आज देख रहे हैं। राज भर में इंडिया ब्लॉक के साथी विरोध मार्च, प्रतिशोध मार्च कर रहे हैं। और किस तरीके से, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कैमरे मैन को दिखा सकते हैं किस तरीके से बिहार पुलिस बेहद दुर्व्यवहार कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ, और बेलगाम हो चुका है अपराधियों का समानांतर सरकारें चल रही है, आतंक राज कायम है। बिहार अब नीतीश कुमार जिससे संभलने वाला नहीं है, इसलिए अविलंब नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे जनहित में और बिहार हित में। बिल्कुल, दिखाते हैं आगे बैरिकेडिंग पे किस तरीके से भीड़ यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। मैडम ये बताइए, सरकार निकम्मी है, प्रशासन रोकने से कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रशासन का एक बैरियर तोड़ के आए हैं और इसको भी तोड़ के जाएंगे। हम लोग भ्रष्टाचार को नहीं चलने देंगे बिहार में। सुशासन बाबू का सरकार नहीं चलेगा, उनको उनसे सत्ता नहीं संभल रही है, उनको कुर्सी खाली करना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा कि बिहारियों को वो नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, यहाँ पे गिरा दी गई है और उसके ऊपर वो चल गए हैं। और फिलहाल यहाँ से जो कांग्रेस अध्यक्ष की जो गाड़ी है वो डीएम से मिलने के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ी यहाँ निकलने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के पास जाए और उन्हें जाके अपनी बात कर सके, अपने जो उनका जो मांग पत्र है वो सौंप सके। लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग नहीं हटाया गया है और यहाँ पे यही वजह है कि तमाम जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे बैरिकेड कर चुके हैं। और फिलहाल देखिए कांग्रेस अध्यक्ष जो गाड़ी से उतर के उसके बाद इनको अब बाहर निकलना पड़ा है और अब ये जो बात करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे मौके पे जो एसडीओ मौजूद हैं वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी से मुलाकात कर सके। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता जो हैं शकील अहमद वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो जिला जो यहाँ मौके पे मौजूद एसडीएम हैं उनसे बात करने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें आगे जाने की इजाज़त मिले। वहीं कार्यकर्ता लगातार यहाँ विरोध कर रहे हैं, लड़का लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके यहाँ रोक रखा है। फिलहाल यहाँ पर जो मौके पे मौजूद हैं जिलाधिकारी और के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे एसडीओ यहाँ पे मौजूद हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं के भीड़ है वो यहाँ बैरिकेडिंग के पास यहाँ मौजूद है और उसे रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है लगातार यहाँ पे। के जरिए आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा उठता है, एक तरफ सरकार मंथन कर रही है लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ मंथनों का दौर चलता है, जमीनी हकीकत नहीं दिखाई देती। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, अमिताभ अब आगे विपक्ष की क्या रणनीति होगी? जी
बिल्कुल विपक्ष यहाँ पे चाहता है कि यहाँ पे सरकार जो काम कर रही है वो नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन में जो यहाँ पे तैनात अधिकारियों को तैनाती की गई है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और लगातार देखिए विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और निश्चित तौर पे इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष पूरे एक साथ रहेगा और इस मुद्दे को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा जब यहाँ विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर करेगा, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव भले ही वो बिहार में नहीं हो लेकिन लगातार ट्वीट के जरिए बिहार के अपराधी के आंकड़ों को वो दिखाते रहे हैं और लगातार उनके जो पार्टी के नेता है लॉ एंड ऑर्डर की बात को उठा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आने वाला जो विधानसभा सत्र होगा वो काफ़ी हंगामेदार होगा, यानी कि सड़क से लेकर सदन तक जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हंगामा करने वाला है। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जाने का, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो लगे हैं नहीं, क्योंकि SDM ने अभी कहा है इन्हें कि एक प्रतिनिधि के साथ आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप आगे बात करें, जो डेलीगेशन में लोग हैं वो यहाँ वही जा सकते हैं और फिलहाल एक प्रतिनिधि मंडल को भेजने की तैयारी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की जा रही है। यहाँ पे SDO मौजूद यहाँ पे हैं और जो SDO है उन्होंने पास देखिए 5 लोगों को इजाजत मिली है यहाँ से जाने के लिए लगातार, यहाँ से 5 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है तीनों अलग अलग पार्टियों का। इजाजी कितने लोगों को जाने की इजाजत मिली है? 11 लोगों को जाएंगे। 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जा करके मिलेगा जिला अधिकारी महोदय से और मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया जाएगा जो महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित है। महामहिम राज्यपाल महोदय को जो प्रेषित किया गया उसमें बिहार में लॉ एंड की स्थिति, बिहार में बढ़ते अपराध और बिहार में अपराध रोकने की दिशा में सरकार पूरी तरह से फेल है, इन सब बातों को इंगित किया गया है। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बच्चियों के साथ जिस तरह से यौन शोषण किया गया उस पर सरकार मौन साधे हुए है, उस मामले को भी उजागर किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, और यहाँ पे हम बात करेंगे शकील अहमद हैं जो यहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। सर यहाँ प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी, अब आप लोग आगे का क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग का पहले से प्रोग्राम था कि हम लोग ज्ञापन देंगे आज, और ज्ञापन देने के लिए आए तो रोक लिया, शांतिपूर्वक तरीके से चलना चाहिए, पहले इनकम टैक्स पर रोक दिया। यह दर्शाता है बिहार सरकार की हताशा, बिहार सरकार अपने कार्यक्रमों में फेल है और कॉम्प्रोमाइज तरीके से प्रशासन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, सरकार चलाती है डंडे के तौर पे, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। सीएम ने कल बैठक की थी यहाँ पे, समीक्षा बैठक की थी। 17 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मन में अच्छा काम करने का है, लेकिन जिन पदाधिकारियों को आसपास बैठाया है वो क्या करप्शन फ्री हैं? ब्लॉक से लेकर के थाने से लेकर के यहाँ सचिवालय तक जिस तरह से घालमेल है, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया है, किसको नहीं मालूम है ये बात। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल होता है, वो इकबाल खत्म हो चुका है, इकबाल खत्म हो गया। देखिए RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मृत्युंजय जी, आप लोग को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है यहाँ पे? और देखिए प्रशासन रोकने का चाहे लाख प्रयास करे, जनता की आवाज़ नहीं रुकेगी और नहीं थमेगी। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चाहे जितना लाठी गोली प्रशासन चलाए उससे हम डरने वाले नहीं हैं। अनुशासित तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। पटना में RJD के दूसरे बड़ा नेता यहाँ पे पार्टी का मौजूद है, बड़ा नेता हमारे राष्ट्रीय महासचिव दो हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, श्री भोला यादव जी, सारे लोग हैं। प्रखंड स्तर पर सारे पूरे बिहार में हो रहा है, ये प्रखंड स्तर पर हो रहा है, सारे लोग हैं। देखिए ये कहना है हमको कि इस देश में प्रधानमंत्री जो परिधान मंत्री हैं, यही आरा के सरकारी कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने कहा था बोलो कितना दूं, 90 दूं कि 100 दूं, 125 करोड़ दूं। आज वही नीतीश जी जा करके नतमस्तक हो गए और पैकेज का भीख मांग रहे हैं, बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ फैक्ट्री बंद है, चाहे वो कागज़ का मिल हो या चीनी मिल हो या जूट मिल हो या कपड़ा मिल हो, सभी बंद है। आज ये प्रदेश से बाहर निकलिए तो कहाँ से आए भाई जी, वो प्रदेश जहाँ पुल गिर रहा है, पुल गिरवा प्रदेश कह दिया गया, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड है कि यहाँ पुल गिर रहा है। स्थिति बदतर है, ना प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, ना डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, वैकेंसी पर वैकेंसी खाली है। व्यवस्था की स्थिति को कैसा देखते हैं? व्यवस्था तो आप रेल का भी देख रहे हैं, सड़क का भी देख रहे हैं, और एक VIP व्यक्ति के पिताजी का हत्या हो जाता है और अभी तक पता नहीं चलता है, बलात्कार हो रहा है,
हत्याएं हो रही है और सुशासन की सरकार है। भाव बहुत अच्छा, हमारे दो दो मुख्यमंत्री साथ में बैसाखी लिए हुए घूम रहे हैं, कभी पगड़ी खोलते हैं, कभी माथा मुड़ाते हैं। नैतिक पतन हो चुका है। आने वाला दिन में 2025 में 90 के बाद अगर कोई सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। देखिए लगातार यहाँ पर जो है जो नेता हैं उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश हो रही है। 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को यहाँ मंजूरी मिली है जो जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर जाके वो जिलाधिकारी को यहाँ पे ज्ञापन देंगे अपना। हमारे साथ देखिए लगातार तो यहाँ पे प्रदर्शन है, एक तरफ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे रोक के रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े नेता हैं उन्हें 11 लोगों के सदस्य में शामिल किया गया है और उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय प्रशासन लेकर गई है ताकि वो अपनी मांग को जिलाधिकारी के समक्ष रखे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है बल्कि हर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय तक में तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग विधायकों को अपने अपने इलाकों में जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों।